हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी उस वजह से वो नहीं पा रहा था, लेकिन ऑल सॉर्टेड नाउ। अब सारी वीडियो लगातार आएंगी। वेल, अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, चाहे जेई लेवल के एग्जाम हो, एई लेवल के एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, गेट हो, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का कंसिडरेशन हमारा सॉइल मैकेनिक्स को मिलता है, जिसमें हम फाउंडेशन और पूरे सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आया, एसएससी जेई जून में होने ही वाला है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से लेते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक जाएंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो बेसिक जो डेफिनेशन जो लोग छोड़ देते हैं, बेसिक नहीं पढ़ते या अजम्पशंस को छोड़ देते हैं, इनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बढ़ने लगे हैं। जैसे अभी एसटेवियन का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे अजम्पशंस वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, या बेसिक डेफिनेशन पे बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम बहुत अच्छे से बेसिक से चढ़ते हुए बिल्कुल प्रो लेवल तक चलेंगे। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग फर्स्ट हमें इसको समझते हैं क्या कहता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें हम जियो मतलब अर्थ में टेक्निकल वेज से पूरी इसके स्टडी करते हैं, उसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें जो है कि हम सॉइल जो है, जो हमारा सॉइल है उसकी मैकेनिक्स के बारे में और जो रॉक्स है उनके मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हमारा अर्थ के अंदर मटेरियल है, जो भी अर्थ पे मटेरियल है, उनके बिहेवियर की स्टडी को हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कंसर्न करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखने क्या कहता है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग में एक डिवीजन है, जिसमें क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल पर जो भी हमारा बिहेवियर है उसके इंजीनियरिंग आस्पेक्ट से हम इसके बारे में कंसर्न है। बेसिकली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज अ साइंस दैट एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। तो रॉक्स और जो सॉइल है उनकी जो मैकेनिक्स है, उनकी साइंस को एक्सप्लेन करना किसका काम है, हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का काम है। वेल, अगर हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के आस्पेक्ट से बात करें तो दो पार्ट में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है हमारा सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वेल, अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, तो सॉइल टर्म से हम समझ रहे हैं क्या है सॉइल, जिसमें हम सॉइल के बिहेवियर के बारे में, उसके फिजिकल मैकेनिकल केमिकल, जो हमारा उसका फिजिकल है मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। वेल, हम इसमें पूरे थ्योरेटिकल बेसिस से एनालिसिस करेंगे, जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो इसमें हम सॉइल के बारे में मेनली पढ़ते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें, तो जैसे कि हमें पता है कि सॉइल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल के ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सॉइल के उस ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, सुपर स्ट्रक्चर। वहीं पर लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉइल से नीचे का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, जो कि फाउंडेशन में कंसिडर किया जाता है। तो जो भी सॉइल के नीचे हम कर रहे हैं उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम फाउंडेशन के बारे में कंसर्न रहते हैं, कि जो इतना मतलब हम उसमें ये स्टडी करते हैं, जो अर्थ है हमारी, जो फाउंडेशन है, वो इतना हम अच्छा बनाएं या इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट करें कि जो हमारा सब स्ट्रक्चर है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसका जो लोड है वो आराम से हमारा नीचे आ सके। तो बेसिकली इन दिस इट इज़ द आस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द इवेल्युएशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ अर्थ। हम बेसिकली ये एवेल्युएट करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारे नीचे की सॉइल है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि नहीं, कि जो हमारा लोड है, जो हमारा स्ट्रक्चर का, जो सब सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है, वो हमारा जो सब स्ट्रक्चर है वो लोड ट्रांसमिट कर पाएगा कि नहीं। तो बेसिकली क्या होगा कि सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर पे आता है, जो कि फाउंडेशन हो गई, और फिर वहां से हमारा अर्थ, जो हमारे सॉइल है, उसके ऊपर ट्रांसमिट होता है। तो हम इन सब की स्टडी को पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली हम कहीं भी चले जाए, अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं है, हम अभी इस सब्जेक्ट को ही ले लें, अगर हमारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो हमारे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर हम रट के बनाते हैं क्वेश्चंस, तो हमारा उतना अच्छा कमांड नहीं है, तो हम अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो हर जगह फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस है, कि फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मेनली पढ़ते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें, तो अब हमारे दो टर्म है जो हमने यहाँ पर देखा है, कि बेसिकली इट इज अ साइंस एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ सॉइल एंड रॉक। तो हमें अब सॉइल और रॉक के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम अगर हम बात करते हैं, सॉइल इज अ नेचुरल मिनरल पार्टिकल, बेसिकली नेचुरली मिल रहा है, हम उसको बना नहीं रहे, आर्टिफिशियल है, मैनमेड नहीं है, इट इज अ नेचुरल मिनरल पार्टिकल दैट कैन बी सेपरेटेड इंटू रिलेटिवली स्मॉल पीसेस। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं सॉइल को, जो रॉक है उससे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो मिलता है, पहली बात तो उसे सॉइल कहते हैं। अब वो क्या क्या कंटेन कर सकता है, एंड मे कंटेन, मे ऑलवेज नहीं लिखा है, मे कंटेन, क्योंकि अगर हमने इसको एवोपरेट कर दिया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। तो इट मे कंटेन वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिके ऑफ वेजिटेशन। तो सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है कि यह तो पानी हो सकता है उसके अंदर,
एयर भी हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। तो दो चीज होती है, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन का परसेंटेज या कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है। वेल, ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे किससे मिलते हैं, ये डिके ऑफ वेजिटेशन, जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, जैसे हमारे सब्जियां या फिर फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, जो हमारे डिकेड प्लांट होते हैं, ये जो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो हम अपने घर से फेंकते हैं या बहुत जगह से मतलब एक्यूमुलेट होते हैं, फिर उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना डिकम्पोजिशन करने लगते हैं, तो वो हमारा वेजिटेशन मैटर पे डिके होने लगा, उससे जो मटेरियल मिलता है वो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल, हमारे नेचुरल मिनरल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम रॉक की डेफिनेशन देखें तो ये भी एक नेचुरल मटेरियल है। ये क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है कंप्राइज्ड ऑफ मिनरल पार्टिकल सो फर्मली बॉन्डेड। अब दोनों में बहुत अंतर है। ये है, इसके अंदर वाटर भी कंटेन कर सकता था, एयर भी कंटेन कर सकता था, ऑर्गेनिक मटेरियल भी कंटेन कर सकता था, और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के फ्रेगमेंटेशन के कॉम्बिनेशन ने बनाया। लेकिन ये एक मिनरल पार्टिकल है जो कि फर्मली बॉन्डेड टुगेदर, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है। और ये कब ब्रेक डाउन होगा, जब हाई एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल। बेसिकली ये तब ब्रेक डाउन होता है जब हाई एफर्ट रिक्वायर करते हैं हम सेपरेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लास्टिंग के थ्रू या फिर हैवी क्रशिंग के थ्रू। इन दोनों के थ्रू जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तब रॉक को हम डिसमेंटल कर सकते हैं या फिर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक टर्म समझ लेते हैं, जैसे सॉइल क्या है, एक मैटर है। तो बेसिकली मैटर क्या होता है, मैटर वो होते हैं जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारा, तो अगर हम मैटर की बात करें, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर क्या होते हैं, मैटर है जो क्या क्या ऑक्यूपाई करता है। एक तो ऑक्यूपाई करता है हमारा स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब इसके अंदर क्या है, इसका मतलब इसके पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, और उसके पास क्या है, एक मास भी है, एंड हैव सम मास। तो ये हमारा क्या होता है, मैटर होता है। मैटर किसी को भी कब कहेंगे, जब उसके अंदर मास हो, या फिर वेट कर लो, जी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेट बन जाता है। तो उसके पास एक तो मास होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें तो सॉइल हमारा एक मैटर है, इसको इस तरीके से समझते हैं। तो ये बोल रहा था कि सॉइल होता है, उसके अंदर हमें वेजिटेबल मैटर, वेजिटेटिव मैटर भी मिलता है, उसके पास हमें, और हमें क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम वाटर से शो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वाटर को शो कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो हम थ्री फेज सिस्टम इस तरीके से नहीं होता, सॉइल पार्टिकल इस तरीके से होंगे। जैसे सॉइल पार्टिकल को अगर हम रेड कलर से दिखाते हैं, सॉइल पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। फिर इसमें ये जो छोटे छोटे हमें दिख रहा है, यही हमारे वॉइड्स हैं, जिसमें क्या होगा, पहले वाटर भी प्रेजेंट होगा, कुछ वाटर प्रेजेंट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और कहीं कहीं पे हमारे एयर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। एयर को हमने व्हाइट कलर से शो कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ एयर भी प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा एक सॉइल का मैटर है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर हमने, यहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सॉलिड प्रेजेंट होगा, और एयर को हमने यहाँ पे शो कर देते हैं येलो कलर से, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, हमारी एयर। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। पर लेकिन ये रियल में, रियलिटी में किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा वाटर है, तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये हमारा सॉइल है। तो इसमें इट मे कंटेन वाटर, इट मे कंटेन एयर ऑल्सो। वेल, हमने सॉइल और रॉक को देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सॉइल है वो रॉक के रॉक से फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का कंफर्म रहता है। तो इट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो ये क्या है, पेडोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। वेल, सॉइल के एक फादर है जिनको मतलब सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज इन्होंने बहुत ज़्यादा खोज की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, तो इस वजह से इनको फादर की उपाधि से देखा गया है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कार्ल तर्जागी जी जो है, ये हमारे तर्जागी, स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, जेड आएगा, ZAGHI। सो कार्ल तर्जागी इज ऑल्सो नोन एज, कार्ल तर्जागी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। वेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। लेकिन इस प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसे हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। वेल, इसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से होता है। तो हम इसके स्टेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है जियोलॉजिकल साइकिल, इसके स्टेप्स को एक मतलब नंबर वाइज लगाने को आता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, सबसे पहला है वेदरिंग, सबसे पहला होगा वेदरिंग होगी।
वेदरिंग दो तरीके से होती है, एक फिजिकल वेदरिंग होती है और एक केमिकल वेदरिंग होती है। इसको अभी अभी हम समझेंगे। वेदरिंग हुई सबसे पहले बड़े बड़े रॉक्स का वेदरिंग हुआ, मतलब उनका डिसइंट्रीगेशन हुआ। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि डिसइंट्रीगेशन हो गया तो अब या तो ये ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे या वहीं रह जाएंगे। इस बेसिस पे भी हम सॉइल को डिफाइन करते हैं, ये भी आगे समझेंगे। तो सपोज अभी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेदरिंग के बाद क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें तो फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या देखने को मिलता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। अगर जहाँ भी आपको ये मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है या फिर आपके बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन में आता है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे तरीके से दिखाएंगे आपको नंबर देने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड देन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अपहीवल। अब डिपॉजिट होने लगेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल डिपॉजिट होने लगेंगे, तो ये एक तरीके का बड़ा पहाड़ बना देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बड़ा सा पहाड़ बना लिया इन्होंने, तो इसी को बोलते हैं अपहीवल, अपहीवल। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर हमारा अपहीवल हुआ, फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर उसकी वेदरिंग होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, तो ये प्रोसेस जो चलती रहती है इसी को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, और ये किस प्रोसेस से होती है ये भी हमने देखा, जिसे बोलते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जियोलॉजिकल साइकिल इसे कहा जाता है, जिसमें क्या है कि अभी हमने देखा था कि अगर पेरेंट रॉक एक बड़ी सी चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है, उसकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग हमारे दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। वहीं पर रह गए अगर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल वहीं रह गए तो ये हमारी कौन सी सॉइल हो जाती है, रेसिडुअल सॉइल। और कुछ पार्टिकल अगर हमारे ट्रांसपोर्ट कर गए तो उन सॉइल को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब देखते हैं, कुछ टर्म्स को समझते हैं, तो साइकिल को देखते हैं क्या कह रहा है साइकिल। तो रेसिड्यूअल सॉइल एक आपको देखने को मिलेगा, रेसिड्यूअल सॉइल जो कि हमारे रॉक्स के फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से मिलती है, एक हमारे को दिखेगा। सेकंड स्टेप हमें दिखेगा ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीम या फिर हमारे रिवर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो कुछ सॉइल हमारे ट्रांसपोर्ट कर गए। फिर आपको तीसरा स्टेप देखेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा और फिर वो अपहीवल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। वेल फर्स्ट स्टेप था हमारा वेदरिंग, वेदरिंग को समझते हैं, वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस इनटू स्मॉलर पीसेस। तो बेसिकली बड़े बड़े रॉक हैं, जो बड़े बड़े चट्टान है, उस पर हमारा मैकेनिकल या फिर फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस चलता है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, तो केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस अलग अलग हैं, हम इनकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं वेदरिंग की, तो केमिकल मैकेनिकल क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, रॉक्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेदरिंग होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होते हैं, उसे मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा ये कलर नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, तो जो वॉल्यूम है हमारा आइस का, वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब क्या हुआ कि हमारे पास रॉक है, रॉक में कुछ वॉइड्स होंगे और हमारा वाटर उसमें फिल हो गया, यहाँ पर वाटर हमारा फिल हो गया। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर टेम्परेचर डाउन होता है, आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो वाटर क्या होगा, फ्रीज करने लगेगा। फ्रीज करने की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम, वाटर से वॉल्यूम, जो आइस का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, फोर्स करने की कोशिश करेगा, वो वाइड करना चाहेगा। फिर क्या होगा, आपको वाइडनिंग क्रैक्स देखने को मिलेंगे, वाइडनिंग क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारी आइस है, ये जो वाटर है, ये हमारे आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब हमें क्रैक्स देखने को मिला। ये इतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा कि हमारी ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। तो ये क्या है, हमारा मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिली, इसके वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। तो ये आपको एक वेदरिंग देखने को मिली। वेल वहीं पे हम अगर बात करते हैं कुछ फिजिकल वेदरिंग की, तो ये क्या होता है, हमारा फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो वाटर की वजह से, जैसे एक रॉक है, यही रॉक है, इस पर वाटर बार 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 अगर हमारा मूव करेगा, तो अगर हम उससे फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि अपनी इतनी वेलोसिटी की वजह से उस पर इरोजन होने लगेगा। कुछ वाटर की वजह से हो जाता है, कभी कभी हमारा सॉइल की वजह से भी इरोजन देखने को मिलता है। तो फिजिकल में हमारे क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम वाटर को कंसिडर कर सकते हैं, कभी कभी एयर की वजह से आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स की वजह से भी हमारा इरोजन देखने को मिलता है, एनिमल्स की वजह से भी हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। वहीं पर भी हमने मैकेनिकल वजह से देखा था कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको वेदरिंग देखने को मिलेगी। तो अब इसके बेसिस पे हमने सॉइल के टाइप्स को डिस्क्राइब किया है कि वेदरिंग हो गई तो हमारा एक पेरेंट रॉक होगा, उसकी वेदरिंग होगी तो ग्लेशियर की वजह से, विंड की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से या फिर ओशन की वेव्स की वजह से आपको वेदरिंग देखने को मिलेगी। तो अब हमारा पेरेंट रॉक है, उसके वेदरिंग की वजह से अगर सॉइल
वहीं जो स्मॉलर पार्टिकल में टूटा और जो स्मॉलर पार्टिकल है वहीं पे रह गए, तो हमारा रेसिडुअल सॉइल देखने को मिलेगा। और अगर वो ट्रांसपोर्ट कर गए किसी भी एजेंट के थ्रू तो आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखने को मिलेगी। तो वेल अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि रेसिडुअल सॉइल द सॉइल विच रिमेन एट द प्लेस ऑफ डिसेंट्रीगेशन ऑफ पेरेंट सॉइल, जो अपने पेरेंट सॉइल के डिसेंट्रीगेशन के प्लेस पे ही रह जाए उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। वेल वहीं पर अगर हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करें तो द सॉइल विच कैरिड अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ डिसेंट्रीगेशन, जो अपने प्लेस है जो सॉइल है वो कैरिड अवे हो जाती है जहाँ पे डिसेंट्रीगेशन हुआ उस प्लेस से कहीं और प्लेस पे चली जाती है थ्रू ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है। इसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल को पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। तो ये हमारा वेदरिंग किस वजह से हुआ, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग हुई और पेरेंट रॉक के पास ही जो रह गए वहीं पे रह गए उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट कर गए उन्हें ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अब इतना सॉइल के बारे में जान लिया तो थोड़ा सा रॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो रॉक्स क्या था, अभी हमने देखा था कि बहुत ही ज्यादा हार्ड मिनरल होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ब्लास्ट ब्लास्ट करके पूरा डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है। तो तीन टाइप के रॉक्स मेनली देखने को मिलते हैं। ये जियोलॉजिकल का पार्ट है, जियोलॉजी का पार्ट है जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी कंसिडर किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल की, टाइप्स ऑफ रॉक की अगर बात करें तो सबसे पहला आप देखोगे कि मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। तो अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो उसके लिए हमें पहले एक अर्थ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल और फिर कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जो हम अगर मेंटल और आउटर कोर की बात करें तो इसमें हमारा लिक्विड मैग्मा प्रेजेंट होता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ आयरन एंड मेटल, और मैग्मा प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैग्मा है जब ये कूल डाउन होने लगता है या सॉलिडिफाई होने लगता है तो इस वजह से जो रॉक देखने को मिलती है वो होती है हमारी इग्नियस रॉक। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, पहले बहुत अच्छी जगह कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द हॉट मैग्मा दैट हैज अ कूल्ड ओवर टाइम। तो कुछ टाइम जो अपने एक टाइम के साथ साथ जो हॉट मैग्मा होता है वो धीरे धीरे कूल होने लगता है, उस वजह से जो रॉक मिलती है आपको वो इग्नियस रॉक होती है। पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी इंट्रूसिव और एक होती है हमारी एक्सट्रूसिव। एक होता है हमारा एक्सट्रूसिव जो बाहर सरफेस पे जो मैग्मा है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा बाहर निकल के आ गया और फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक में आता है, और जो अंदर ही अंदर हो रही होती है वो होती है हमारी इंट्रूसिव। तो ये भी इसमें भी दो तरीके से हो गए, एक हो गया एक्सट्रूसिव रॉक और एक हो गया हमारा इंट्रूसिव रॉक। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके की रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो क्या होता है कि जिस तरीके से अभी हमने प्रोसेस देखा तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे सेडिमेंट्स हमारे लेयर बाय लेयर कंसिड मतलब फॉर्म होने लगते हैं, लेयर बाय लेयर जो है वो कंप्रेस होने लगते हैं और हार्ड होने लगते हैं। तो इस वजह से जो हमारी रॉक देखने को मिलती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। सो सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट्स कर छोटे छोटे पार्टिकल जो छोटे छोटे सेडिमेंट हैं वो कंप्रेस होते हैं इन लेयर एंड देन गेट हार्डन। तो इस तरीके की रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर वहीं पर अगर हम एक और रॉक की बात करें तो ये जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है इस पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी जो रॉक फॉर्म होती है वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के थ्रू जो रॉक्स फॉर्म होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। ये हमारे तीन टाइप के रॉक्स हो गए। वेल ये रॉक साइकिल है जिसमें क्या इग्नियस रॉक हमारी इरोड होगी तो सेडिमेंट में कन्वर्ट होगी तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक अगर हमारा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है। वेल बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगाते हैं तो हमारा आपको मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलता है। तो ये तो हमारी रॉक साइकिल है कि इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, ये चलता रहता है। जिस तरीके से जियोलॉजिकल साइकिल है वैसे ही हमारी रॉक साइकिल है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो तीन हमने अभी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट देखे, वाटर हो सकता है, एक तो हमारा क्या हो सकता है वाटर हो सकता है, फिर हम अगर बात करें तो वाटर है, वाटर आपको देखने को मिलेगा, फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारा एयर देखने को मिलेगा, फिर हम बात करें तो ग्लेशियर्स हो सकते हैं, फिर अगर हम बात करें तो ग्रेविटी हो सकती है। इनके बेसिस पे जो है हमने ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बेसिस पे हमने अभी सॉइल को देखा। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में सबसे पहले अगर हम सॉइल की बात करें तो वो हमारा एलिवियल सॉइल है। तो आप देखो माउंटेन से आता है और नीचे हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में या जो हमारा प्लेन्स है वहाँ पर आके जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है वो हमारा एलिवियल सॉइल होते हैं। सो बेसिकली एलिवियल सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो एलिवियल सॉइल क्या है अगर हम इसकी बात करें तो ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिवियल सॉइल आएगा और सामने अगर रनिंग वाटर है तो इसी से मैच करना है। तो रनिंग वाटर इज अ एजेंट किसकी सॉइल के लिए, एलिवियल सॉइल के लिए। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ से वो वाटर हमारा आ रहा है तो माउंटेन से हमारा वाटर आ रहा है, तो जब वो माउंटेन से आ रहा होता है तो माउंटेन स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो पत्थर हैं जो हमारे रॉक्स हैं मिनरल्स हैं उनको इरोड करते हुए उनको तोड़ फाड़ करते हुए वो पानी आता है और अपने संग बहुत सारी मिनरल्स और रॉक्स को लेके आ रहा होता है। लेकिन जब वो प्लेन एरिया में एंटर करता है तो अब यहाँ क्या होता है कि जो हमारा स्लोप है वो माइल्ड हो गया,
स्लोप स्टीप ना या माइल्ड हो गया, अब एरिया भी बड़ा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी जैसे ही स्लो होने लगती है तो जो अपने संग सामान लेके आ रहा था उसको अपने बैंक पर डिपॉजिट करने लगता है। ये हमारी सॉइल जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स कंटेंट होता है, तो ये हमारी वेजिटेशन जो है, जो सॉइल है, ये हमारी कल्टीवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पंजाब, ये नॉर्दर्न एरिया, गंगेटिक प्लेन वाला, जो गंगा से पूरा एरिया है, गंगेटिक प्लेन वाला एरिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली हमारे लिए, और ये हमारी कल्टीवेशन क्रॉप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सॉइल है वो हमारी एलिवियल सॉइल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, तो ये लेक्स के कारण, जो लेक है, मान लो ये हमारी पूरी लेक है और इसके चारों तरफ जो सॉइल होती है, जो हमारी चारों तरफ सॉइल है, लेक्स के चारों तरफ जो सॉइल है उसको हम लैक्यूस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। तो अगर मैचिंग में लैक्यूस्ट्राइन लिखा होगा तो वहाँ पे आपको लेक्स पे टिक करना है। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे हमारी बहुत हाई टाइड्स वेव हमारी मूव करती हैं, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आती हैं, और फिर हमारे जो पास में सी सोर है, जो हमारे समुद्र के किनारा है, वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स उनसे टकराती हैं, फिर उनको इरोड करती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको फ्रेगमेंट कर देती हैं। तो जो सॉइल हमारा सी के किनारे, जो सी के किनारे या फिर जो हमारा सी बैंक है उसके किनारे जो हमें मिलता है, सी सोर के किनारे जो सॉइल देखने को मिलती है, वो मरीन सॉइल होती है, जो कि डिपोजिशन इन द सी, सी के किनारे, सी के अंदर जो सॉइल हमारा डिपॉजिट है वो हमारा मरीन सॉइल है। फिर वहीं पे जो ग्रेविटी, जैसे अब आपको माउंटेन के पास आप देखोगे, आजकल हम बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है, तो जैसे माउंटेन के पास बहुत सारी सॉइल है और लैंडस्लाइड या फिर कोई और भी रीजन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से सॉइल का जो कुछ पार्टिकल है वो नीचे शिफ्ट हो गया, तो उस तरीके की सॉइल को, ग्रेविटी के कारण ये हुआ है, तो उस तरीके की सॉइल को हम कोलिवल सॉइल बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो ये सॉइल देखने को मिलती है ये कोलिवल सॉइल होती है बेसिकली। अगर हम इसकी बात करें, इसको एक और नाम से देखा जाता है, वो है टेलस। अगर हम एक और नाम से बात करें तो इस सॉइल को देखा जाता है, दूसरे कलर से करते हुए दिखेगा नहीं, सो अनदर नेम इज टेलस, टेलस भी इसको बोला जाता है। तो कोलिवल लिखा हो या फिर टेलस लिखा हो, तो ये ग्रेविटी के कारण होता है। सो द मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इज ग्रेविटी एंड इसको कोलिवल सॉइल कहा जाता है। वहीं पर अगर हम एक और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की बात करें तो विंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो विंड के वजह से ट्रांसपोर्ट होती है और डिपॉजिट होती है विंड की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम एओलियन सॉइल। अब अगर हवा किसी चीज को उड़ा के ले जा रही है तो इसका मतलब वो हल्की होगी, तो सबसे पहला पॉइंट आपको एलियन सॉइल को सोचते ही आ जाना चाहिए कि ये लो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी है बहुत लो है, तो एकदम हवा उड़ा के ले जा रही है तो फिर वो लो डेंसिटी है। और हाई कंप्रेसिबिलिटी देखने को, हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी लोड पड़ती है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाती है। तो इससे एक और पॉइंट क्या पता चल सकता है, यही असर्शन और रीजन में आप पूछा जाता है। इसी पॉइंट पे ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो इस तरीके से कि हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है तो क्या ये हाई बियरिंग कैपेसिटी को रखती है या लो बियरिंग, तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है तो कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत लो है, तो इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी वो लो बियरिंग कैपेसिटी है। वहीं पे एक और पॉइंट हमको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि इसमें आपको सीमेंटेशन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी, तो स्लाइटली सीमेंटेशन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी जब वो थोड़ा सा वेट होगी, थोड़ा सा वाटर कंटेंट होने पे ये थोड़ा सा सीमेंटेशन प्रॉपर्टी भी शो करती है। और ये नॉन प्लास्टिक है। वहीं पे अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, मतलब क्या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है इस तरीके से, मतलब एक ही पार्टिकल के साइज है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के साइज नहीं देखने को मिलेंगे, एक ही पार्टिकल साइज है, तो इसमें क्या होता है वॉइड रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है तो वॉइड रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप देख भी सकते हो ये पॉइंट लगा है कि द वॉइड रेशियो इज हाई एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो हाई, मतलब वाटर डालने पे वाटर को पास करने का, ये कोई भी और अदर मीडियम है, मीडियम के थ्रू किसी भी एक्सटर्नल जो फॉरेन मटेरियल है उसको पास करने का, उसको अलाउ करता है कि मेरे थ्रू पास हो जाओ, इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। और वॉइड रेशियो हाई होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड होता तो इसके वॉइड्स में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है और ये किस वजह से, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट ड्यू टू विंड, तो विंड के कारण ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती है, इस तरीके की सॉइल को हम एलियन सॉइल कहते हैं और इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है और लो बियरिंग कैपेसिटी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक और तरीके की सॉइल है जो कि हमारी ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल है और एक और तरीके की सॉइल होती है, ग्रेविटी डिपॉजिट अभी हमने देख लिया था, ग्रेविटी डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं कोलिवल सॉइल भी बोलते हैं, तो एक बार और लिख देते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं कोलिवल सॉइल, तो कोलिवल सॉइल बोला जाता है या फिर उसे हम टेलस भी बोलते हैं, लैंड साइल के कारण या फिर कोई भी एक्टिविटी के कारण जिसमें ग्रेविटी के कारण शिफ्ट हो जाती है तो उसको टेलस या फिर कोलिवल सॉइल बोलता है बोला जाता है। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एक और होती है हमारी ग्लेशियल डिपॉजिट, तो एलियन सॉइल हम ये देख चुके हैं कि विंड ट्रांसपोर्ट के कारण जो सॉइल देखने को मिलती है वो हमारी एलियन सॉइल होती है और लो डेंसिटी में होता है। अगर हमारे जो ग्लेशियर की वजह से डिपॉजिट हो रहा है सॉइल जो है हमारी, अगर ग्लेशियर की वजह से डिपॉजिट हो रही है तो उसको हम ग्लेशियल डिपॉजिट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्लेशियल डिपॉजिट।
चल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारी नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल और लेटराइट सॉइल। अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल जो है बेसिकली आप नाम से ही देख सकते हो कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हम कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी देखी जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज नहीं हो सकते। क्यों? जब वाटर इसमें पड़ता है, मतलब इसको अगर वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्वेलिंग बिहेवियर आ जाता है, बहुत ज्यादा स्वेल करने लगती है तो स्वेलिंग बिहेवियर आ जाएगा। वहीं पर अगर लेकिन हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं तो एकदम से ड्राई हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगी, मतलब ये एक बेसिक नॉर्मल कंडीशन में रहती ही नहीं है। वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से स्वेलिंग कंडीशन देखने को मिलती है, वाटर कंटेंट डिक्रीज करते ही श्रिंकेज बिहेवियर शो करने लगता है। लेटराइट सॉइल क्या है, इसमें आपको क्या है, अगर हम इसकी पॉइंट्स की बात करें तो आप एक तो ये या तो ये हमें रेड या फिर येलो कलर में देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल जो क्या है हमें रेड या फिर येलो कलर में देखने को मिलती है। इसमें आपको पोटैश का पोटैश के बाद अगर हम बात करें तो लाइम का जो होता है हमारा लाइम, इन सब का जो है कंटेंट आपको स्लाइटली कंटेंट देखने को मिलेगा इसमें, कुछ थोड़ा स्लाइट परसेंटेज में ये प्रेजेंट रहती है। तो रेड हो गया, ये रेड येलो कलर में देखने को मिलती है, पोटैश लाइम भी स्लाइटली प्रेजेंट रहता है। वेल ये किस वजह से फॉर्म होती है, तो ये लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो हमारी लेटराइट सॉइल है। और ये कौन से एरिया में देखी जाती है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको उड़ीसा वाला एरिया हो गया, ये जो पूरा कोस्टल एरिया है गोवा के साइड वाला एरिया है, बिल्कुल जो हमारा कोस्टल एरिया से टच करता हुआ है यहाँ पे ये जो एरिया है, इसमें यहाँ पे ये वाली सॉइल ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि एक तो ये लीचिंग प्रोसेस जो हमारे रेनफॉल के वजह से जो लीचिंग प्रोसेस होती है उस वजह से देखी जाती है। वेल अगर वहीं पर हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में अगर हम बात करते हैं तो किन क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये हमारी टी के लिए, टी हो गया, कॉफी हो गई, टी हो गया, कॉफी हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं कैश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टी कॉफी और कैश्यू के की जो प्लांटेशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेटराइट सॉइल। तो ये हमारी लेटराइट सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हमारा कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक और तरीके की सॉइल होती है, वो होती है हमारी ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्ड इन द प्लेसेस बाय द ग्रोथ ऑफ सब्सिक्वेंट डीके ऑफ प्लांट लाइफ। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और ये हमें जो डिके प्लांट होता है, जो एनिमल होता है या जो वेजिटेटिव मटेरियल होता है उनके जो डिकम्पोजिशन की वजह से जो सॉइल मिलती है उसे हम हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे पीट और मग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। अगर हम पीट की बात करते हैं तो पीट की अगर बात करें तो वेजिटेशन मटेरियल की वजह से जो डिकम्पोजिशन की वजह से जो हमें सॉइल मिलती है वो हमारी पीट है। तो डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन मटेरियल की वजह से जो सॉइल मिल रही है वो हमारी पीट है। वेल वहीं पे अगर हम मग की बात करते हैं तो मग क्या है, पहली बात तो ये वाटर के पास जो वाटर लॉक्ड हो जाता है एरिया, वहां पे हमारा बहुत सारा प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके डिकम्पोजिशन की वजह से मग देखने को मिलता है। मग का एक और नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो अगर पूछते हैं तो क्यूमुलॉइज सॉइल जो होती है, क्यूमुलॉइज जैसे हमने अभी पढ़ा था कोलिवल सॉइल या फिर टैलस, इसी तरीके से क्यूमुलॉइज सॉइल जो होती है उसे मक बोला जाता है। तो मक का अनदर नेम हमारा क्यूमुलॉइज सॉइल होता है। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है नेचर में, इसी वजह से हम इसको बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ट्राई करते हैं फाइंड करना हमारा नोटिस, यही तो है हम टाइप्स ऑफ सॉइल क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें पता करें इसकी क्वालिटी पता करें, इस वजह से जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चले कि ये हमारी फाउंडेशन के लिए अच्छी है कि नहीं है। तो दिस इज़ वेरी कंप्रेसिबल, ये हमारी कंप्रेसिबल नेचर की, और ये अनसूटेबल है किस चीज़ के लिए, हमारी बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए अनसूटेबल है क्योंकि ये फेल कर जाएगा, हमें डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा तो हमारी फाउंडेशन फेल कर जाएगी, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एक इंडिया के डायग्राम पे देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी। अगर हम इस एरिया की बात करें तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर अगर इसकी बात करते हैं तो आपको ग्लेशियल सॉइल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लेशियर होते हैं तो ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट सॉइल के नाम से उन्होंने दिखाया है, ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर हमारे माउंटेन्स हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पर कोलिवल सॉइल देखने को मिलेगी या फिर टेलस के नाम से भी जानते हैं हम। फिर हम जब प्लेन एरिया में आएंगे तो यहाँ पर हमें एलिवियल सॉइल देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें एलिवियल सॉइल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर आओगे तो ये एओलिन सॉइल देखने को मिलेगी, यहाँ पर एओलिन सॉइल देखने को मिलेगी आपको राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। फिर आप महाराष्ट्र वाले एरिया में जाएंगे, महाराष्ट्र वाले एरिया में जाएंगे तो आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। इवन आप ये वाले चीज़ को नोटिस करिए तो ये आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही है, लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही है, जो भी कोस्टल एरिया वाला रीजन है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही है। वेल एलिवियल सॉइल देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ द इंडिया में एलिवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी कंसिडर की जाती है। और ये वाला जो एरिया है जो हमारा प्लेट्यू रीजन वाला एरिया है जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा रेड या फिर एरिड येलो सॉइल भी बोला जाता है, रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं इन्हें,
ये देखने को मिलेगा। तो हमारे इंडिया के मैप पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को देख लिया, अब हमने पूरी थ्योरी पढ़ लिया, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है, अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जितने भी शायद 40 एमसीक्यू हैं तो उनको हम जो जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करेंगे, और इसी तरीके से हम चलेंगे कि पहला एक लेक्चर हमारा थ्योरी रहेगा, उसका नेक्स्ट लेक्चर उससे बेस्ड हमारे एमसीक्यू रहेंगे, जितने भी एमसीक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड हम बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच टिल वॉचिंग हियर।